नमस्कार, मैं हूँ मेघा वर्मा। वैश्य व्यापार न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों का। बिहार की प्रमुख भाषा भोजपुरी, जो काफी लोग इसे पसंद करते हैं, गया शहर के बाराचट्टी क्षेत्र में भोजपुरी सिनेमा की शूटिंग जोरदार ढंग से चल रही है, जिसका एक झलक देखने को मिल रहा है। संगीत के दृश्य के माध्यम से संगीत में जो गाना एक सीन प्रस्तुत किया गया है, जो गया शहर का ही पाठ बोध गया, भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली जिसे विश्व भर में बोध गया को जानते हैं। फिल्म शूटिंग में संगीत के दृश्य दिखाया गया है, जिसमें बॉल है कौन, टेम्पो वाला बाड़ा नाल लेल काऊ के छोड़ी। इस संगीत के दृश्य में भी टेम्पो दिखाया जा रहा है। गया शहर में काफी ऑटो पर ये संगीत जोरों पर बजाया जा रहा है, इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। वही शूटिंग के दौरान ग्रामीणों सैकड़ों की संख्या में दृश्य को देखकर काफी उत्सुक हैं। आप सभी को ज्ञात हो कि वारथाई मॉनेस्ट्री के भत्ते रत्नेश्वर चकमा और उनके सहयोगियों पर एक अनुसूचित जाति के नाबालिग लड़की के यौन शोषण का मामला दर्ज है, और ऐसा प्रतीत होता दिख रहा है कि भंते के प्रभाव में प्रशासन कार्ड के अनुसंधान के नाम पर पीड़िता और उसके परिवार पर ही भिन्न भिन्न प्रकार से दबाव बना रही है। प्रशासन अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की जगह पीड़िता और उसकी मां को ही नोटिस भेज के परेशान करने का प्रयास कर रही है। निर्भय शक्ति की सत्यवती देवी ने संवाददाता को बताया कि वो इस मामले को देख रही है, जिसमें पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए उनका सहयोग संस्था के अधिवक्ता अभिलाष भारद्वाज, सरवन कुमार, राकेश कुमार चंद्रवंशी, आकाश कुमार चंद्रवंशी, रोहित कुमार और अजय कुमार कर रहे हैं। महिला विकास मंच की संरक्षक वीणा मानवी पटना की प्रेरणा से कोलकाता में जयसवाल समाज भवन में महिला विकास मंच कोलकाता टीम की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में करीब 20 से 25 महिलाओं ने भाग लिया। सभी महिलाओं ने यह प्रण लिया कि वह महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, विवाह उपरांत विवाद आदि समस्याओं का मिलकर समाधान करेंगे। विकास मंच का उद्देश्य महिलाओं तक सीमित नहीं है, यह पुरुषों के प्रति भी अगर प्रताड़ना होती है तो महिला विकास मंच की महिलाएं रोड शो, धरना आदि देकर उसका निदान करेंगे। महिला विकास मंच के संरक्षक श्री कृष्ण जायसवाल जी ने सभी महिलाओं और बिना मानवीय जी की सहमति से आगामी 10 अगस्त को सावन मेला कार्यक्रम करने का निश्चय किया है। इस महिला विकास मंच में सभी जातियों के महिलाओं का स्वागत है, यह जात पात से परे मानव सेवा के लिए तत्पर है। इस बैठक में श्रीमती मनीषा गुप्ता, श्रीमती सुमन गुप्ता, श्रीमती नीता गुप्ता, डॉक्टर सचता, पौर्णिता जसवाल, शशि जसवाल आदि महिलाओं ने अपनी बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाई। जन सहयोग समूह द्वारा श्री कृष्ण चंद्र गांधी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में एक गोष्ठी पर्यावरण में विद्यार्थियों की भूमिका विषय पर आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ शारदा के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित और पुष्प अर्चन द्वारा किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता विद्यालय प्रधानाचार्य श्री सत्येंद्र सिंह जी चौहान ने की, व मुख्य श्रीमती आभा सिंह, महाराष्ट्र ग्रामीण मंत्रालय दिशा समिति की सदस्य भी, जिन्होंने बच्चों को छोटी छोटी सावधानियों को रखकर पर्यावरण को कैसे शुद्ध किया जा सकता है इस बारे में जागरूक किया। विशिष्ट अतिथि अजय कुमार सिंह, पूर्व महाप्रबंधक पर्यावरण कॉल इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार ने विद्यार्थियों के पर्यावरण संबंधी विचार बड़े ध्यान से सुने। कार्यक्रम का संचालन आचार्य राजीव पाठक जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में दीपक चतुर्वेदी, राकेश तोमर और विद्यालय के आचार्य बंधुओं का विशेष सहयोग रहा। दिन भर की ताजा तरीन खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।